हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शानू, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करें पकौड़े बनाना। पकौड़े बनाने के लिए मुझे करीब 150 ग्राम बेसन चाहिए और 50 ग्राम सूजी चाहिए। मैंने ली है कसूरी मेथी, अजवाइन, सौंफ, काला नमक, प्याज को काट लिया है, 4 मिर्ची को काट लिया। प्याज मैंने यहाँ पे 4 बड़े प्याज लिए हैं। अब बेसन में मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, या आप सिंपल नमक डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। अब मैं डालूँगी करीब काला नमक 1/2 टीस्पून, अजवाइन, सौंफ और कसूरी मेथी, ये सब मैंने 1 टीस्पून ली है। अब मैं इसमें जिंजर का पेस्ट डाल दूँगी और 50 ग्राम सूजी डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं डालूँगी करीब 1/4 टीस्पून हींग। हींग से पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसमें हींग पाउडर डाल दीजिए, करीब 1/4 टीस्पून लगेगा इसमें हींग पाउडर। अब मैं डाल दूँगी इसमें जीरा। जीरा भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, जीरा डाल दीजिए। अब मैं लूँगी 1/4 से थोड़ा कम टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं अब इसमें रेड चिली पाउडर डालूंगी। रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको तीखी पसंद है तो आप बहुत तेज़ डालिए। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। सूजी डालने से पकौड़े का क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें पानी ऐड कर दीजिए। बैटर की कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मेक श्योर आपके जो बैटर में है कुछ भी लम्स नहीं होना चाहिए। आप इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, उस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया। अब आप देख सकते हैं मेरे बैटर का कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा मोटा है, ये देखिए। अब मैं डालूंगी इसमें करी लीव्स। मैंने क्रश करके करी लीव्स डाल दी है। बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 4 या 5 बिग ऑनियंस लिए थे और 5 ग्रीन चिलीज ली थी। इसको अच्छे से मैंने काट लिया है और इसको मिक्स कर लिया है। फाइनली चॉप नहीं है, थोड़ा मीडियम टाइप चॉप है। एंड आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है। आप स्पून की हेल्प से पकौड़े डाल सकते हैं। हमें मीडियम फ्लेम पे पकौड़े डालने हैं। हाई फ्लेम पकौड़े डालोगे तो वो बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं पकेंगे, इसलिए हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही आप पकौड़े तले। टाइम टाइम पे उसको हाई टू मीडियम या फिर लो टू मीडियम रख लीजिए, लेकिन आप हाई फ्लेम पे पकौड़े ना तलिए क्योंकि ये क्रिस्पीनेस नहीं बढ़ाता है। इसको अच्छे से हिला लीजिए। आप देखते जाइए क्रंचीनेस हो रहा है या नहीं। इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद कितनी अच्छी क्रिस्पीनेस आ गई है। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें ऐसे ही पकौड़े चाहिए। उसी तरह आप सारे पकौड़े फ्राई कर लीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। अब मैंने पकौड़े तल लिए हैं, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी चाट मसाला। चाट मसाला लगाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिए और इसको एक बार मिक्स कर लीजिए। अब आ रही है प्लेटिंग की बारी। सॉस के साथ मैंने इसको सर्व किया। आप चाहे तो ग्रीन चटनी या इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बताइएगा कैसे लगी आपको ये मेरी रेसिपी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक द माई वीडियो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।